स्वागत है आप सभी का दिव्यास किचन में। तो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट की एक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और डिलीशियस रेसिपी, दैट इज एगलेस चॉकलेट मूज। खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है ये। उम्मीद करूंगी जो मैं रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। बनाने में बहुत ही कम समय लेती है ये रेसिपी, और अगर आपके घर में सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हो तो आप इसे घर में कभी भी किसी भी वक्त जब कोई मेहमान आए या फिर बच्चों के लिए या फिर खुद के लिए आप कभी भी बना सकते हो। झटपट से बन जाती है और बहुत ही आसान है बनाने में भी और खाने में भी उतनी ही ज्यादा स्वादिष्ट भी। तो देखते हैं कैसे बनाई जाती है एगलेस चॉकलेट मूज। लेट्स प्रोसीड फर्दर। जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मैं अगली बार कोई भी नई रेसिपीज देख रहा हूँ तो आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम एगलेस चॉकलेट मूज बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स ऑफ डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है, जिसको मैं फाइन एकदम उसको क्रश कर लूंगी। आप चाहो तो उसको मिक्सी में भी कर सकते हो, आप चाहे तो इसको नाइफ के थ्रू भी ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं हम, ताकि जब हम इसको डबल बॉयलर पे इसको मेल्ट करें तो ये इजीली मेल्ट हो जाए इवनली। तो इसको मैं फटाफट इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, खाने में भी बहुत कम समय लगता है इसको बनने में, और बिल्कुल बहुत ही कम सामान में आप घर में इसे बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने चॉकलेट को अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अभी हम इसको डबल बॉयलर में मेल्ट करेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई रख ली है जिसमें मैंने पानी डाल दिया है कढ़ाई में, और इसको मैं ऑन कर दूंगी, और साथ में मैं इसके ऊपर एक बर्तन रख दूंगी, और यहाँ जो हमने चॉकलेट कट की थी उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अभी इसमें डाल दूंगी चॉकलेट को, और हमें इसको मेल्ट कर लेना है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। इसे हम डबल बॉयलर पे इसलिए पकाते हैं ताकि ये जले ना और इसका टेस्ट चेंज ना हो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपको चॉकलेट मेल्ट करना है तो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अभी मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ बटर 35 ग्राम। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून ऑफ बटर लिया है जिसका वजन लगभग 35 ग्राम है। इसको भी हमें इसमें मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, मेल्ट कर लेना है डबल बॉयलर पे ही, ताकि इसमें अच्छे से शाइनिंग आ जाए, और साथ ही में जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे फॉर 3 आवर्स तो उसमें एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन जाए इसकी, ताकि इसे बाइंडिंग भी क्रिएट हो। देखिए कितने बढ़िया कंसिस्टेंसी आ चुकी है, और चॉकलेट भी कितनी बढ़िया तरीके से मेल्ट हो गई है, इसकी शाइनिंग देखिए। फ्रेंड्स, ये डन है अभी इस स्टेज पे, और अभी हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले लिया है जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लिया था। देखिए इस कप को मैंने उल्टा किया है और व्हिपिंग क्रीम नीचे बिल्कुल भी नहीं गिर रही है, दैट मीन्स जो व्हिपिंग क्रीम की कंसिस्टेंसी जो हमें मिली है वो बिल्कुल परफेक्टली मिली है। यहाँ मैं अभी इस 1 कप व्हिपिंग क्रीम को एक बाउल में ऐड कर दूंगी। जो व्हिपिंग क्रीम जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैंने सेम उसी तरीके से बनाई है जिस तरीके से मैंने ट्रफल केक के वीडियो में व्हिपिंग क्रीम बनाई थी, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो में ऊपर मिलेगी, तो आप उस पर क्लिक कीजिए और ट्रफल केक का वीडियो भी मेरा ज़रूर देखिए। और साथ ही में मैं अभी ऐड करने वाली हूँ धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली जो हमने डबल बॉयलर पे चॉकलेट मेल्ट की थी उसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैं अभी कट एंड फोल्ड मेथड के हिसाब से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ अजंता फूड प्रोडक्ट्स के कोको पाउडर का। मैं यूज़ करूँगी 1 टीस्पून ऑफ कोकोआ पाउडर। अजंता फूड प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड काइंडली प्लीज़ गो थ्रू द लिंक एंड यू विल गेट अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन अजंता।
बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप चाहे तो अजंता फूड प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। आप एक बार यूज़ करके देखिए, आपको खुद ही फ़र्क पता चलेगा, आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। उसके बाद आप खुद ही अजंता फूड प्रोडक्ट्स को पसंद करना शुरू करेंगे। यहाँ में मैंने 1 टीस्पून ऑफ कोकोआ पाउडर मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है जिसके अंदर मैं अभी फ़िल करने वाली हूँ एगलेस चॉकलेट मूस जो हम बना चुके हैं। देखिए अभी मैं इसको अच्छे से फिल कर दूँगी और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स ग्लास लिए हैं और उसके अंदर मैं इसको प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो अभी चलिए हम शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं हो तो आप इसको कांच की कटोरी में एज अ डेजर्ट भी आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लासेस हो छोटे छोटे आप उसको उसमें भी सर्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ग्लास में फिल कर दिया है और अभी मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे हमें 2 घंटे हो चुके हैं और मैंने चॉकलेट मूज बाहर निकाल लिया है फ्रिज से। और यहाँ पे मैंने कोकोआ पाउडर लिया है सेम अजंता फूड प्रोडक्ट्स का ही। मैं हमेशा अजंता फूड प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती हूँ और अभी मैं इसको गार्निश करूँगी कोकोआ पाउडर से चॉकलेट मूज को। ये कितना बढ़िया तरीके से हमारे घर में ही इतना डिलीशियस डेजर्ट बन के तैयार है। बनने में बहुत आसान है और झटपट से बन जाता है, बच्चों से लेके बड़ों तक ये हर किसी को पसंद आएगा। ट्राई कीजिएगा अपने घर में, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, लव वंस के साथ, ताकि उन तक भी मेरी अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपीज़ पहुँचे एंड अजंता फूड प्रोडक्ट्स के भी बारे में सबको पता चले। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी जो रेसिपी मैंने आज आप सभी लोगों के साथ शेयर की आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो इसे लाइक करना ना भूले एंड शेयर करना ना भूले। और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मैं अगली बार कोई भी नई रेसिपीज़ बनाऊँ तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे।